बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है फिजिक्स में यूनिट मेजरमेंट डायरेक्शनल फार्मूला परसेंटेज एरर उसके बाद हम लोग मोशन स्टार्ट किए थे है ना। और उस मोशन में हम लोग जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लोग जो है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी चाल और वेग, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, ये हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग आज के वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा और स्टेट टाइम मोशन, प्रेजेंट टाइम मोशन और रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, इन सब में क्या डिफरेंस है कैसे। बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर वेलोसिटी हम पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी वेग पढ़ चुके, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी और एक्सीलरेशन क्या चीजें। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है बेटा वेग में होने वाला परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या, अगर वेग परिवर्तन आपको देखना है तो आप देखिए एक परिवर्तन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब अगर कोई वस्तु है, वस्तु है उसकी स्पीड है v1 या वेलोसिटी है v1 मीटर पर सेकंड a, और एक दूसरी वस्तु है b उसकी वेलोसिटी आपकी है v2 मीटर पर सेकंड। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी वेग परिवर्तन क्या होगा, तो वेग में होने वाला जो परिवर्तन होगा बेटा वो होगा डेल्टा। जब डेल्टा भी होगा तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए ये 40 मीटर पर सेकंड है और ये 60 मीटर पर सेकंड, तो कितना वेग में अंतर है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 60 माइनस है ना, वेग में होने वाला परिवर्तन आपका होगा v2 माइनस v1, सही। इसका मतलब हुआ कि दोनों वेगों का जो अंतर होगा वही चेंज ऑफ वेलोसिटी वेग परिवर्तन होगा, ठीक है। जहां मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये आपका 40 मीटर पर सेकंड है, यहां मान लेते हैं कि 60 है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी 60 माइनस, तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर, सही। लेकिन बेटा अगर इनमें से यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि इसका वेग जो है v1 40 मीटर पर सेकेंड है और जो दूसरे का वेग है वो ये है अपोजिट डायरेक्शन में है और उसका वेग है 60 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, वेग में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, तब होगा डेल्टा v इक्वल टू देना ये v2 माइनस v1 ही होगा, v2 माइनस v1 वेक्टर ही होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना v2 के डायरेक्शन तो 60 है लेकिन v2 के ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस रहेगा, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन लेंगे तो यहां 40 नहीं लेंगे बल्कि अपोजिट में है, तो क्या लेंगे माइनस, जो माइनस होते रहेंगे तो ये मिलेगा आपको 60 प्लस 40, और जब 60
प्लस 40 होगा, इसका मतलब आंसर होगा 100 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? अगर दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो जो उनका डिफरेंस होगा वही वेग में होने वाला परिवर्तन होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस समय आप देख रहे हो कि 60 प्लस 40 आ रहा है, इसका मतलब है कि जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो प्लस कर देना, यही होगा वेग में होने वाला। आप लोग जानते होंगे कि दो रेल गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही है, हैं? एक मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी 60 किलोमीटर पर आवर से, हैं? तो उनके जो सापेक्ष वेग होते हैं वो क्या होगा? एक डायरेक्शन में होगा तो 100 में से 60 माइनस का, सेम डायरेक्शन में माइनस, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन दो गाड़ियां एक दूसरे की अपोजिट क्रॉस कर रही है, तो ऐसे में उन दोनों की वेलोसिटी हम लोग क्या करते थे? प्लस करते थे, प्लस होगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि मान लीजिए कि एक बॉल है, एक बॉल है जो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किसी दीवार से टकराती है। जब वो दीवार से टकराती है तो टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से उसी वेग से वो टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आती है जिस दिशा से बॉल गई थी। 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आपको कोई वेग देगा वो बॉल यहाँ आई और इससे टकरा करके और ये रिटर्न वापस आ गई, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? उस बॉल के गेंद के वेग में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? एक में होने वाला परिवर्तन है, तो आप देख लो ये केस और इस केस में कोई अंतर है नहीं, है ना? इसका मतलब चेंज ऑफ इलास्टिक होगा वो डेल्टा बी होगा, और डेल्टा बी का मतलब क्या होगा? B2 माइनस B1 होगा, सही है? तो ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड होगा और माइनस B1 लेकिन डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो -5 मीटर पर सेकंड, तो आंसर क्या होगा? 5/5 मीटर पर, उसके वेग में होने वाला परिवर्तन शून्य नहीं हो जाएगा, या 5 से 5 माइनस कर दो 0 हो गया। यहां देखो डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, इसलिए उसके वेग में होने वाला परिवर्तन कितना होगा? 10 मीटर पर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात आती है बेटा ऐसे ही, अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कि एक गेंद है जो किसी सर्कुलर पथ पर जा रही है, सर्कुलर पथ पर दौड़ रही है, जा रही है, तो यहां पर उसका वेग मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, और हाफ राउंड कवर करने के बाद आधा चक्र पूरा करने के बाद वो यहां पहुंचता है, और यहां पर भी उसका जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, है? सेम स्पीड से, समान एक समान चाल से, यूनिफॉर्म स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है, तो हाफ राउंड आधे चक्र पूरा करने के बाद उसके वेग में होने वाला परिवर्तन चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, है ना?
तो चेंज ऑफ वेलोसिटी यहां को एक प्रॉब्लम देखो, ये आपकी डायरेक्शन है अपवर्ड और यहां जो डायरेक्शन है बेटा वो डाउन। और वेग परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, माइनस वेलोसिटी और माइनस अंतिम वेग से प्रारंभिक को माइनस करना। तो चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होगा यहां वो ये होगा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। तो वी टू तो आपका है 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस जो वी वन है वो आपका आपको इसके अपोजिट है, तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस माइनस प्लस प्लस 5 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना, है ना? स्ट्रेट लाइन पे भी दिखा दिया सर्कुलर। अब देखो हाफ राउंड का अगर कहता है 1/4 राउंड, तो 1/4 राउंड की जब बात होगी तब क्या होगा, तो वहां क्या होगा बेटा? अगर वो ए से केवल यहां तक की बात करता है तो यहां 5 हुआ और यहां पर ये आपका वेग आपका हो गया V2 5 मीटर पर सेकंड। अगर 1/4 राउंड की बात करता तो ए से चलकर वो सी तक ही पहुंचेगा, है ना? सी पे पहुंचा इस पॉइंट पर, यहां V1 है और यहां इनके बीच का एंगल देख रहे हैं ना कितना डिग्री होगा, यानी दो वेक्टर होंगे V1 और V2 और दोनों कितने डिग्री पर होंगे 90। और उस समय वेग परिवर्तन चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो? तो बेटा अभी आप लोग वेक्टर जानते तो हैं, पढ़े होंगे आप लोग। वेक्टर में क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी जाए, अपोजिट कर दी जाए, तो उस वेक्टर के साथ माइनस लग जाए, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी और दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है बेटा वो कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस होता है। ऐसे ही जब हम लोग वेक्टर के नियम का पालन करेंगे तो V2 माइनस V1 करेंगे तो V1 की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, बदल देंगे, तो मिलेगा कि दो वेक्टर 90। तो जब 1/4 राउंड की बात हो रही है और कह रहा है वेग परिवर्तन क्या होगा, तो वेग परिवर्तन जो होगा बेटा वो अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, यानी V1 स्क्वायर प्लस V2 दोनों सेम है तो 5 स्क्वायर प्लस, इसका मतलब कितना? जब दोनों के वेग सेम है तो ये याद कर रहा है वेग परिवर्तन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, इसको याद दे रहे हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5, यानी कितना 2 5 स्क्वायर, यानी 5√2 मीटर पर सेकेंड उसके वेग में वेलोसिटी में होने वाला परिवर्तन। बेटा आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि जब वेलोसिटी पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया, तो वेग में होने वाला परिवर्तन जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन कब होगा, उसकी वेलोसिटी को चेंज कब किया जाए? केवल उसका परिमाण बदलकर, समझ रहे हो? मतलब अगर वो 5 मीटर पर सेकंड है तो उसको 7 कर 10 कर दो, उसकी स्पीड बदल कर परिमाण बदल करके वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है, सही है? तो परिमाण बदला जा सकता है तभी भी वेलोसिटी चेंज। लेकिन अगर कभी ऐसा हो
कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, परिमाण ना बदला जाए, तो क्या उसकी वेलोसिटी बदल सकती है? किसी एक वस्तु है 20 मीटर प्रति सेकेंड के नियत स्पीड से चार्ज से दौड़ रही, तो क्या बिना परिमाण बदले उसकी वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है, वेग बदला जा सकता है कि नहीं? तो अगर बेटा आपका जवाब होगा नहीं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई बच्चा समझा नहीं। लेकिन अगर आपका जवाब होगा हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप बात को समझ लें। मैंने कहा परिमाण नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी वेग को बदलना है, तो कोई बात नहीं। एक वेलोसिटी में दो बातों का ध्यान रखना होता है, एक परिमाण और दूसरी दिशा। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, दिशा नियत है, तो उसकी मैग्नीट्यूड परिमाण को बदल करके हम लोग उस वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर परिमाण कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, नियत है, तो इस स्थिति में हम लोग उसकी डायरेक्शन चेंज करके, इस स्थिति में उसकी दिशा को बदलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन या तो केवल परिमाण बदल के हो सकता है, या केवल दिशा बदल के हो सकता है, या परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन करके हो सकता है। परिमाण बदल तभी बदलेगा, दिशा बदल तो भी बदलेगा, दोनों बदल, इस तरीके से वेलोसिटी में परिवर्तन होता है। यानी वेलोसिटी में होने वाला जो परिवर्तन होगा वो इस बेस पर, क्लियर हो गया बेटा? आप चलिए, जब हम लोग वेलोसिटी देखे, वेग का परिवर्तन देखे, तो अब हमारे पास आ जाता है वो रीजन जिससे कि किसी वेलोसिटी को, वेग को परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का कारण है क्या? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का कारण है बेटा उसका त्वरण, एक्सीलरेशन। और अगर उसका त्वरण ही वो कारण है तो उसको समझना बहुत जरूरी है। यानी जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन जिसको हम लोग ए कहते हैं, एक्सीलरेशन की बात, तो किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की जो समय दर होती है उसी को हम त्वरण कहते। यानी किसी वस्तु के वेग में एक सेकेंड में जो परिवर्तन होगा वह त्वरण कहलाए, ठीक? वेग परिवर्तन की समय दर को, यानी त्वरण जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल हो गया। इसका मतलब a is equal to y delta b upon delta, यह वेक्टर क्वांटिटी है, a is equal to delta b by delta, यह एक सदिश राशि, वेग में परिवर्तन बटे समय हो गया। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। एक सेकेंड में एकांक समय में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन होगा, और a इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा। इसका मतलब हुआ यूनिट क्या हो, तो मीटर पर सेकेंड, और फिर सेकेंड, तब होगा इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड होगा। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो मीटर है एल और सेकंड है तो टी, एल टी माइनस वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण होगा। अब त्वरण का मतलब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होगा,
डेल्टा पी बाय डेल्टा टी का जो मात्रक हो रहा है त्वरण का वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो इसका डायमेंशनल फार्मूला जो इसकी बीमा बन रही है वो इसकी बीमा होगी एल टी माइनस, और एक्सीलरेशन त्वरण घटक कौन सी राशि है, त्वरण कौन सी राशि, तो त्वरण जो हमारी है वो वेक्टर है, वेक्टर पॉइंट हो गया। चलिए अब आगे त्वरण कितने प्रकार के, त्वरण बेटा दो प्रकार के होते है ना, दो प्रकार के होते से होते। त्वरण का मतलब हुआ कि वस्तु के वेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन का मतलब क्या ये होता है कि केवल उस वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि हो, केवल उस वस्तु के वेलोसिटी में केवल इंक्रीज करे वेलोसिटी, वही एक्सीलरेशन होगा, डिक्रीज भी हो सकता है। तो एक्सीलरेशन दो तरह का होगा, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो धनात्मक त्वरण होगा यानी कि पॉजिटिव, और जो ऋणात्मक होगा वो होगा ये एक्सीलरेशन या तो वेलोसिटी को वेग को बढ़ाएगा पर सेकंड बढ़ेगा, और या उसके वेग को घटा घट भी सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो बढ़ेगा और या तो घटेगा, ये हमारा त्वरण ठीक है। अब आगे बढ़ते, अगर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से किसी भी समय त्वरण निकाल सकते हैं तो कोई बात है, जैसे किसी पर अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, एक क्वेश्चन दीजिए बेटा बताइएगा, मान लेते हैं एक कार है, क्या एक कार ही जिसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग जो है वो प्रारंभिक वेग है 36 किलोमीटर पर, प्रारंभिक वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे, और आफ्टर 10 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, वो आपका 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। अब आप ये बताओ कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका त्वरण क्या है। अगर आप ये समझते हो कि a is equal to delta b upon delta t होगा, और इसका मतलब आप सीधे सीधे कहोगे कि सर ये b minus u by delta t होगा और 72 minus 36 by 10 होगा, तो मतलब हो देखो ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर और ये सेकंड, ये तो आवर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये किसमें है, सेकेंड में। तो हम या तो इनको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करें और या इसको हम आवर घंटे में चेंज करें, तब हमारा आंसर आएगा बेटा। यही सब ध्यान देना है ना, कि फार्मूला पाया, नंबर पाया, सीधे रखा, आंसर निकाला है ना। बहुत जल्दबाजी में बहुत अच्छी चीज छूट जाती है, बहुत आसान से आसान क्वेश्चन आएंगे और वो छूट जाएंगे, बाद में सर पटकने के अलावा बाल खींचने के अलावा ध्यान देना जरूर, यूनिट जरूर चेक करना, देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ये क्या है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, जानते हो ना 5/11 से कितना होगा, और बचा दे 10 मीटर पर, और इसको अर्जुन को बांधकर 20 मीटर पर हो गया। अब आप रखोगे देखो 20 माइनस 10 और ये डेल्टा टी आपका 10 है, तो 10 बाई 10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड हो गया।
इसी टाइप से आपसे त्वरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बेटा हम जानना चाहते हैं कि ये जो त्वरण है उस वस्तु के वेलोसिटी वेग को परिवर्तित करता, तो इस आधार पर एक्सेलरेशन के बेस पर आप क्या बता सकते हो कि कोई वस्तु किस तरह की गति कर रही है, उसका मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति, विद्युतीय गति, या प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, या सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, या रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। यानी ये एक्सीलरेशन ही ये बताएगा कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, है ना, या सर्कुलर मोशन है, या रोटेशनल मोशन है, है ना। ये एक्सीलरेशन से ही डिसाइड होगा कि वो गति किस तरह की है, सरल रेखीय गति है, या प्रक्षेप गति है, या वृत्तीय गति है, या घूर्णन गति। ठीक है बेटा, तो ठीक अगले वीडियो में बेटा हम आपको स्ट्रेट लाइन मोशन या इससे संबंधित प्रोजेक्टाइल मोशन ये हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको स्ट्रेट लाइन मोशन बताएंगे, है ना, एक ब्रिज की गति क्या होती है और उसकी कौन कौन सी शर्तें। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू।